श्री गणेशाय नमः। संकष्टी चतुर्थी 2021 दिन शनिवार तिथि 2 जनवरी। इस दिन हमें कई कार्यों को करना वर्जित माना जाता है। इन्हें करने से ऐसा माना जाता है कि गणेश भगवान नाराज हो जाते हैं, उनकी कृपा हमारे ऊपर रुक जाती है। तो इसलिए इस दिन हमें इन सभी कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो वो कौन से कार्य हैं, चलिए आज मैं बता देती हूँ। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता विज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम गणेश संकष्टी चतुर्थी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि हमें उस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम गणेश चतुर्थी का व्रत मनाते हैं और शाम को हम पूजा करते हैं और अर्घ देते हैं। तो चलिए सबसे हमारा जो पहला नियम है, उस दिन जो कार्य वर्जित है उनके बारे में जान लेते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी पर न करें ये सभी कार्य। तो पहला हमारा कार्य है कि हमें संकष्टी चतुर्थी वाले दिन भगवान गणेश पर भूल से भी तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। दूसरा नियम है, संकष्टी चतुर्थी के दिन हमें मांस का सेवन या और भी कुछ मदिरा वगैरह आप ना खाएं, न परिवार के किसी सदस्य को खाने दें। तीसरा नियम है कि संकष्टी चतुर्थी पर हमें घर में लहसुन प्याज हमें नहीं बनाना चाहिए। जो व्रती है वो तो चलो व्रत रखते हैं, लेकिन घर वालों को भी उस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, वर्जित है। होता है संकष्टी चतुर्थी के दिन हमें पशु पक्षी को ना सताना चाहिए, ना उनको मारना चाहिए। इस दिन पशु पक्षियों को पानी पिलाना शुभ माना जाता है, न कि उनको मारना। तो इसीलिए आप पशु पक्षियों को उस दिन पानी पिलाएं, उन्हें कभी मारे नहीं। पांचवा नियम है, इस दिन हमें बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश क्रोधित होते हैं, तो इसलिए हमें उस दिन बुजुर्गों को सताना नहीं चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। फिर अगला हमारा छठवा नियम है, गणेश चतुर्थी के दिन किसी भी ब्राह्मण का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश आपसे रुष्ट हो जाते हैं। फिर आठवां नियम है हमारा, संकष्टी चतुर्थी के दिन कभी भी हमें झूठ नहीं बोलनी चाहिए, झूठ बोलने से उस दिन बचे। फिर अगला हमारा नियम है कि उस दिन हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये थे हमारे कुछ नियम जो उस दिन आप मत करिएगा, भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो शाम की पूजा की विधि तो मैंने बताया है अपने लास्ट वीडियो में, लेकिन समय मैं बता देती हूँ शुभ मुहूर्त क्या है। तो हमें शाम को 5:35 से हमारा शुभ मुहूर्त शुरू होगा पूजा का, और 6:57 तक रहेगा। इसी बीच आप अपना पूजा समापन कर लीजिए, पूजा कर लीजिए भगवान गणेश की। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, आशा करती हूँ कि इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।